हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज फिर मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल का वीडियो, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्जी और फ्रॉड डराव इंसानों से कैसे बच रहे हैं। जो कि इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इन चचा जान को भी कैसे लूट लिया है और कैसे इनसे पहले अकाउंट में पैसा लेने के बाद चाइना का जो इम्पोर्टेड पैनल होता है, जो वी ग्रेड पैनल होता है चाइना का, उसको भिड़ा दिया है। ये एक दलाल ने इनको सिस्टम दिया है और उसने ही इनको लूटा है। तो नाम तो खैर उन्होंने उस वीडियो में नहीं लिया है, बाकी मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि मुझे किस तरह से लूटा गया है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ने उनके कुछ दलाल के कहने में लगभग 9 लाख रुपए अकाउंट में दे दिए थे और 50,000 जो सिस्टम चालू करने के बाद बोला था तब दिए थे। तो पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि वहाँ पे चाइना का इम्पोर्टेड पैनल कस्टमर को दे दिया गया, जो कि आप जानते हो गाइस, चाइना का पैनल आप लेते हो तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनल अगर इंडिया का आप पैनल लोगे तो सबसे बड़ी बात क्योंकि उसका वारंटी कार्ड मिलेगा और साथ ही साथ उसका FTR रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट सारा कुछ मिलने वाला है। और इंडिया का पैनल अगर कहीं से भी लोगे तो आप 10 जगह रेट मालूम कर सकते हो, और चाइना का पैनल अगर आप लोगे तो कहीं रेट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले 20 साल में भी अगर पैनल इंडिया का हुआ, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सर्विस मिल सकती है, मिलेगी सर्विस। और चाइना का लोगे, आज तुम ले रहे हो आने वाले 2 साल के बाद, क्योंकि चाइना का क्या होता है, चाइना का पैनल स्टार्टिंग जो होती है वो इंडिया के मुकाबले होती है, और जब 2 या 3 साल बाद सिस्टम पर चलता है तो वो फेल होने लगता है, धीरे धीरे फेल होने लगता है। उसकी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि अगर आप इंडिया का पैनल लोगे तो इंडिया बनाती है क्वालिटी और चाइना जो बनाती है वो क्वांटिटी बनाती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कहीं से भी अगर पैनल को खरीद रहे हो तो प्लीज़ इंडिया का ही पैनल खरीदें। और हम जो हैं वो INE कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उषा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो गाइस, पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से बचना है और कैसे आपको बचना पड़ेगा। जगह का नाम है विजयनगला और जिला बदायूं और थाना बिनावर और गांव मोहम्मद नगर। एक चीज और तो बतानी भूल गए भैया, कितने के BFD बता कर दी आपको? BFD 25 की बता कर 15 की लगाई। ये देखो, अरे भाई मैं जब तक तो कहता हूँ दलालों से बचो, इसीलिए मैं कहता हूँ दलालों से बचो। उन्होंने उनसे हमने कल कही भी तो कह रहे थे कि वो देखेंगे, तो कल आके उन्होंने मना कर दी, कह दी वो 25 की हम नहीं लगा पाएंगे। 25 की BFD के लिए बोला और 15 की बढ़ा दी, क्योंकि अकाउंट ने पैसा दे चुके हैं ना के, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहला पैसा किसी को ना दो, दलालों से बचो। अरे भैया 25 की BFD का बोला आपसे तकरार, 15 की लगा गए। अरे क्यों किसी का पैसा ऐसा लूट रहे हो यार? क्योंकि वो जानकारी हमें थी नहीं, अब अनजान आदमी है, जानकारी इन्हें थी नहीं। तो भैया ऐसे दलालों से बचो, ऐसे फ्रॉडों से बचो भैया। ना बिल्कुल पड़ोस से देख लोगे तो अपने, अब तो अपना है वो दूर। अच्छा, तो अपना है। तो अभी जाकर दिखाऊंगा मैं क्या इन्होंने 25 की BFD बोली और 15 की दे दी, अभी दिखाता हूँ मैं इन भैया के यहाँ सिस्टम देखने के लिए, जिन्हें बिल्कुल ही कहते हैं सही करके हजारों को पैसा जिनका खा दिया, उनका सिस्टम देखने के लिए जा रहे हैं। आओ भैया, आ जाओ। डुप्लीकेट बिल्कुल फर्जी वाली, देखो देखा डुप्लीकेट। अब ये भैया बोल रहे हैं कि यार इसका नाम मत दिखाओ किस कंपनी की है, ना तो वो दुकानदार बोलता नीचे जाकर मैं गारंटी ना ले रहा हूँ, इसलिए मुझे उसका नाम ढकना पड़ जाएगा। भैया यही बात है ना, अब देखो अब ये है किस तरीके से, अब 15 की निकली, बताई 25 की निकली 15 की, देखो दिखाई देखो बताई 25 की निकली 15 की। ये इस तरीके से अलग से जुगाड़ बनूंगा है, हमारी BFD में ऐसा जुगाड़ कहीं देखा ही नहीं होगा अलग से लगूंगा, जैसा इसमें डुप्लीकेट में है देखो। और अभी मैं पैनल पर दिखाता हूँ जाके, भैया पैनल देखने मिलेंगे, आओ इधर को आ जाओ। इंडियन है, चाइना है, चाइना वाला पैनल भिड़ा देने भैया को, यार बताओ ऐसे लोगों का ध्यान रखो भैया, ऐसे किसी को नाटक हो और चाइना का दो भी दे भी रहे हो तो उसका पैसा लिमिट से तो लो, इतना बेहिसाब लिमिट से तो पैसा ना लो, जो भैया का 9.5 लाख रुपए बॉन्ड कर दिए, बताओ ये चीज़ का ध्यान रखो ठीक है। तो
गाइस यार देखा इन्होंने पहले अकाउंट में पैसा देने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है, जो कि कस्टमर खुद बोल रहे हैं कि मुझसे जो पैसे लिया गया था वो 25 HP का लिया गया था, और क्योंकि वो खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से उनको कुछ नहीं पता पड़वाया। जब और कस्टमर यानी कि और व्यक्ति ने उनके साइड पर जाकर सिस्टम पर जाकर देखा तो वहाँ पे पता लगा कि ये 15 HP की है, और वहाँ पे पता लगा कि ये चाइना का पैनल है, जो कि चाइना का पैनल के बारे में मैं आपको सजेशन देता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, अगर गाइस आप कहीं से भी आटे चक्की का सिस्टम ले रहे हो, या अपने घर का सिस्टम ले रहे हो, या फिर अपने ट्यूबवेल का सिस्टम ले रहे हो, तो आप पहले अकाउंट में पैसा मत देना। अगर 10 जगह पहले आप ट्राई करो कि किसका क्या रेट चल रहा है और किसका क्या रेट चल रहा है, क्योंकि जो दलाल व्यक्ति होते हैं वो इंडिया का पैनल नहीं बेचते, वो चाइना का पैनल बेचते हैं। उनकी क्या वजह है? उनकी ये वजह है, अगर आप इंडिया का पैनल कहीं से भी लेते हो तो आप इंडिया के अंदर 10 जगह ट्राई मार के अपना जो रेट है वो मालूम कर सकते हो, और चाइना को कोई मालूम नहीं कर सकते, कोई कॉल नहीं कर सकते। इसीलिए जो दलाल लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो चाइना का इम्पोर्टेड पैनल बेचते हैं। तो ऐसे दलालों से बचो। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ में और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कहीं से भी सिस्टम ले रहे हो तो पहले अकाउंट में पैसा मत डालना, क्योंकि आप भी इनकी तरह फंस सकते हो पहले अकाउंट में पैसा डालने के बाद। तो ऐसे ना हो इनकी तरह आप भी फंस जाओ, क्योंकि चाइना का पैनल जो होता है वो 1 से 2 साल 3 साल काम इंडिया के मुकाबले करता है, आने वाले 2-3 साल के बाद वो फिर एकदम डाउन होने लगता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी बनाती है इंडिया और क्वांटिटी बनाती है चाइना। अब क्वांटिटी बनाएगी तो आपका रेट भी कम होगा, और दूसरी बात अगर आप इंडिया का पैनल लेते हो तो उसका चाइना और इंडिया का पैनल लोगे और चाइना का पैनल लोगे तो रेट में डिफरेंस होगा, इंडिया का थोड़ा सा 1-2 रुपये महंगा और चाइना का बहुत सस्ता पैनल होगा। तो ऐसे पैनल लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आने वाले कल में आपको कल भी देखना है, ऐसा ना हो कि यार 2 साल बाद 1 साल बाद सिस्टम में प्रॉब्लम आ जा, जिसने दलाल ने आपका पता लगा सिस्टम लगाया और वो भी छोड़ के भग गया, फिर कहाँ देखोगे, फिर किसी से आप कुछ नहीं कह सकती। अगर हाँ इंडिया का पैनल आपने लिया हुआ है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंपनी को कॉल करके टोल फ्री A to Z सब कुछ, हर कंपनी का ईमेल एड्रेस सब कुछ होता है, आप सर्विस ले सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हमारी बहुत ही कमाल की आने वाली है, क्योंकि हमारी जो साइड चल रही है वो पेट्रोल पंप पे चल रही है, और हमने INA कंपनी के वहाँ पे 24 सोलर मॉड्यूल लगाने वाले हैं, और वहाँ पे बैटरी लगाने वाले हैं और इन्वर्टर भी लगाने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।